हेलो फ्रेंड्स, स्लिम ट्रिम फिगर सबका सपना होता है, जिस पर बढ़ता मोटापा पानी फेर देता है और इसी बढ़ते मोटापे का कारण बाहर का ऑयली, स्पाइसी और जंक फूड हो सकते हैं। हम इतनी कैलोरीज डेली खाते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर पाते, क्योंकि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भागते भागते इतना थक जाते हैं कि एक्सरसाइज का टाइम भले ही हमारे पास हो लेकिन शरीर में ताकत नहीं होती, जिससे मोटापा बढ़ता जाता है। भूख लगती है तो खाना पड़ता है, जिसके चलते हम खाना तो खा लेते हैं लेकिन पोषक तत्व रह जाते हैं, उसी के चलते होती है मोटापे की समस्या। वैसे बढ़ता मोटापा कई बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि थायराइड, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, नसों की ब्लॉकेज, माइग्रेन और ब्रेन ट्यूमर जैसी और कई बीमारियाँ। इनसे बचने के लिए मोटापे को कम करना होगा, उसी से जुड़े कुछ तरीके मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज और वॉक कीजिए, इससे शरीर में ऑक्सीजन आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, जिससे बॉडी सिस्टम ठीक से काम करेगा और फैट नहीं बढ़ेगा। नींद पूरी न लेने पर भी शरीर में ऐसे हार्मोन्स बढ़ते हैं जिनसे वसा की मात्रा बढ़ती जाती है, लेकिन जो लोग 6-7 घंटे सोते हैं उन्हें वजन बढ़ने की शिकायत कम होती है, इसलिए अच्छे से नींद लीजिए। पत्ता गोभी में फैट घटाने वाले गुण होते हैं, जिससे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, तो अगर मोटापा घटाना है तो इसे ज़रूर खाएँ। रात को सोने से पहले ग्रीन टी पीजिए, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक्स होते हैं जो सारी रात चर्बी को घटाने का काम करते हैं, जिससे मोटापा नहीं बढ़ता। ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी खाना खाने से बचें। गर्भावस्था के बाद महिलाओं का पेट और कमर का साइज काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके लिए व्यायाम काफ़ी ज़रूरी है, वरना मोटापा और बढ़ता जाएगा। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो गर्म पानी पीना शुरू कर दें। मोटापा है तो बहुत बड़ी समस्या, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दें और थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें तो इससे आसानी से और जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए बाज़ार में बिकने वाली उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल न करें जो पतला करने का दावा करती हैं, उससे अच्छा है कि आप घरेलू नुस्खों को अपनाइए। मोटापा है तो बहुत बड़ी समस्या, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दें और थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें तो इससे आसानी से और जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बाज़ार में बिकने वाली उन चीज़ों का इस्तेमाल न करें जो पतला करने का दावा करती हैं, उससे अच्छा है कि आप घरेलू नुस्खों को अपनाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही हेल्दी बातें जानने के लिए।